अबू जहल ने एक यतीम की परवरिश की जिम्मेदारी ली। एक दिन वो यतीम नंगे बदन उसके पास आया और अपने माल में से कुछ तलब किया। उसने उसे धक्के देकर निकाल दिया। कुरैश के सरदारों ने उससे कहा कि तुम मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के पास जाओ, वो तुम्हारी सिफारिश कर देंगे। इससे उन लोगों का मकसद नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाना था, लेकिन यतीम को ये चीज मालूम ना थी। चुनाचे वो यतीम ताजदार रिसालत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुआ और अपनी फरियाद पेश की, और सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम कभी किसी मोहताज को खाली हाथ न लौटाते थे। चुनाचे आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उस यतीम के साथ अबू जहल के पास गए। उसने रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को देख कर मरहबा कहा और फौरन यतीम का माल उसके हवाले कर दिया। ये देख कर कबीला कुरैश के लोगों ने उसे आर दिलाया और कहा कि तू अपने दीन से फिर गया है। अबू जहल ने जवाब दिया, खुदा की कसम मैं अपने दीन से फिरा नहीं, असल बात यह है कि मैंने उनकी दाईं और बाईं तरफ एक नेजा देखा और मुझे ये डर लगा कि अगर मैंने उनकी बात न मानी तो ये नेजा मुझे फाड़ डाले।